मुहावरे एवं लोकोक्तियां छात्रों आज आप सबको मुहावरे एवं लोकोक्तियां बताया जाएगा मुहावरे मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं जैसे तारे गिनना का अर्थ है व्यर्थ में समय बिताना तारे गिनने से कोई लाभ नहीं समय व्यर्थ जाता है इसलिए तारे गिनना किसका मुहावरा हुआ व्यर्थ में समय बिताना। अब जैसे मोहन रमेश से कहता है क्यों भाई कब से बैठे क्या तारे गिन रहे हो अर्थात क्यों व्यर्थ समय गवा रहे हो कहने का तात्पर्य तारे गिनने से यह हुआ कि व्यर्थ में समय बिताना। आंखें खुलना इस मुहावरे का अर्थ है सच्चाई का ज्ञान होना यानी इतने दिनों से चोरी का राज प्रकट हुआ तब जाके आंखें खुली मतलब तब सच्चाई का पता चला आंखें खुली यानी सच्चाई का पता चला तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या निकला सच्चाई का ज्ञान होना ईद का चांद होना मुहावरे अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना मोहन तुम तो ईद के चांद हो गए यानी बहुत दिनों बाद दिखाई दिए तो ईद का चाँद होना से क्या तात्पर्य है बहुत दिनों बाद दिखाई देना उल्लू बनाना मुहावरे अर्थ से मूर्ख बनाना रमेश दिनेश को हमेशा उल्लू बनाता रहता है तो यहाँ क्या उल्लू बनाते से क्या तत्पर है मूर्ख बनाना यानी हम मूर्ख बनाना न कहकर सीधे उल्लू बनाना कह देते हैं तो उल्लू बनाना मुहावरे हुए और मूर्ख बनाना इसका अर्थ हुआ चयन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ निश्चिंत हो जाना यानी मोहन अपना कार्य समाप्त करके चैन की बंसी बजा रहा है यानी अपना कार्य संपूर्ण कर पूर्ण कर, करके निश्चिंत हो गया है भीगी बिल्ली बनना इस मुहावरे का अर्थ है डर जाना जैसे रमेश शेर को देख करके भीगी बिल्ली बन गया यानी डर गया तो हम डर गया ना कहकर के सीधे उस मतलब मुहावरे का प्रयोग किए क्या बोले भीगी बिल्ली बन गया अब लोकोक्तियां लोकोक्ति का अर्थ है लोक यानी लोग के द्वारा कही गई बात उक्ति को योग करके लोकोक्ति शब्द बना इसका अर्थ है लोगक मुख से निकली हुई बात जो किसी विशेष अर्थ में कही गई हो उदाहरण है कि अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत इस लोकोक्ति का अर्थ है कि कार्य बिगड़ जाने पर करने से, क्या फायदा। इसको इस माध्यम से अर्थ प्रकट किया गया खोदा पहाड़ निकली चुहिया इस लोकोक्ति का अर्थ है अधिक परिश्रम करने पर भी कम लाभ तो पहाड़ किसका प्रतीक है बड़े कार्य का चूहिया किसका प्रतीक है किसकी कमलाभ की एक अनार सौ बीमार इस लोकोक्ति का अर्थ है वस्तु एक और मांगने वाले अनेक एक अनार एक वस्तु का प्रतीक और सौ बीमार किसका प्रतीक अनेक लोगों का। काला अक्षर भैंस बराबर इस लोकोक्ति का अर्थ है अनपढ़ व्यक्ति काला अक्षर को भैंस से इसलिए तुलना की गई क्योंकि काला अक्षर अनपढ़ता का प्रतीक है और भैंस जो है वो काला अक्षर और भैंस का रंग और आकृति ये सब अनपढ़ व्यक्ति को दर्शाते हैं इसलिए लोकोक्ति का अर्थ हुआ अनपढ़ व्यक्ति काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ हुआ अनपढ़ व्यक्ति दीपक तले अंधेरा इस लोकोक्ति का अर्थ अपना दोष दिखाई न देना जैसे दीपक तले अंधेरा दीपक सबको प्रकाशित करता है लेकिन उसके तले अंधेरा ही होता है यानी हम सबको ज्ञान देते हैं लेकिन अपने दोषों पर ध्यान नहीं देते इसे किस तरह से दर्शाया गया दीपक तले अंधेरा के माध्यम से दर्शाया गया अंधेरा किसका प्रतीक है अपने दोष का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी इस लोकोक्ति का अर्थ है दुष्ट लोग कभी नहीं सुधरते हैं तो दुष्टों की तुलना कुत्ते की दुम से की गई जिस तरह से कुत्ते की दुम को चाहे कितनी सीधी करो टेढ़ी की टेढ़ी होती है ऐसे दुष्ट लोगों को आप कितना ही क्यों न समझाओ और सुधरते नहीं है लोकोक्ति का यह अर्थ हुआ अभ्यास कार्य निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए आंखों का तारा होना आंखों का तारा होना से तात्पर्य है अत्यधिक प्रिय होना राजू तो अपने पापा के आंखों का तारा है यानी अपने पापा का अत्यंत प्रिय बालक है काठ का उल्लू मूर्ख कितना ही समझाया जाए लेकिन वह काठ का उल्लू है यानी मूर्ख है और घी के दिए जलाना घी के दिए जलाने से तत्पर्य खुशियां मनाना जब श्री राम चौदह वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो नगर में घी के दिए जलाए गए यानी खुशियां मनाई गई नौ दो ग्यारह होना यानी चोर सामान लेकर के नौ दो ग्यारह हो गया क्या तात्पर्य इसका भाग जाना निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए अभ्यास कार्य के अंतर्गत कुछ लोकुक्तियां दी गई हैं जैसे जैसी करनी वैसी भरनी यानी जैसा कार्य वैसा परिणाम ऊंची दुकान फीका पकवान यानी ऊपरी दिखावा ऊपरी आडंबर सांच को आच नहीं इस मुहावरे से तात्पर्य है कि सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है ना सत्यवादी परीक्षा से नहीं घबराते इस तरह आपने